जय माता दी, जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य कीर्ति धन लक्ष्मी व निरोगी काया कैसे रखें उसके टोटके के बारे में सुन रहे हैं। मुख्य द्वार के पास कभी भी कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार जहां से आना जाना होता है उसके पास में कभी भी कूड़ादान यानी कि घर का जो कचरा होता है वह कचरा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, अन्यथा पड़ोसी लोग ही शत्रु हो जाते हैं। इसलिए उसको सवेरे सवेरे खाली कर देना चाहिए। सूर्यास्त के समय पर यदि कोई व्यक्ति आस पड़ोसी मित्रगण आपसे कुछ भी मांगने के लिए आए, चाहे घर के किचन का सामान हो, दूध हो, पैसा हो, कुछ भी नहीं देना चाहिए उधार। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो समझो आपके घर की बरकत को वो ले जाता है, यानी आपके घर की लक्ष्मी को आपके यहां से ले जाता है। इसलिए सूर्यास्त के समय पे सिर्फ भजन कीर्तन करना चाहिए, बस किसी को कोई भी चीज उधार नहीं देना चाहिए। और यदि उस वक्त कोई भिखारी मांगने के लिए भी आ जाए तो भी उसे भीख भी नहीं देना चाहिए। उस समय पे गाय को कुत्ते को रोटी भी नहीं देना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपके घर की बरकत चली जाती है, ना लक्ष्मी जी चली जाती है। सूर्यास्त के समय पे जलता हुआ दीपक घर के बाहर नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा घर की लक्ष्मी जी घर के बाहर चली जाती है। घर के बाहर दीपक लगाया जाता है सूर्यास्त के समय पे, तो वहीं पर ही बैठ करके दीपक लगाना चाहिए, घर के अंदर से जला करके बाहर नहीं ले जाना चाहिए। और सूर्यास्त के समय पे मनुष्य को झगड़ा नहीं करना चाहिए, बिस्तर पर नहीं सोना उठना बैठना चाहिए। सूर्यास्त के समय पर घर की दुकान की व्यवसाय स्थल की मंदिर की कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये सब सूर्य डूबे उसके पहले पहले कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे बाल खुले करके भी नहीं घूमना चाहिए, चोटी खुली करके नहीं घूमना चाहिए। और सूर्यास्त के समय पे क्लेश अशांति भी नहीं मचाना चाहिए, इससे घर की लक्ष्मी जी चली जाती है, बरकत चली जाती है। सूर्यास्त के समय पे ऐसे बहुत से काम है जो नहीं किए जाते हैं, जिनकी वजह से ही बहुत से घरों से लक्ष्मी जी चली जाती है। छत पर कभी भी अनाज या बिस्तर नहीं धोना चाहिए, छत पर कभी भी अनाज या बिस्तर नहीं धोना चाहिए। सुखा सकते हो परंतु धोना नहीं चाहिए। जहां पे धोने का स्थान है, चाहे कपड़े धोने का हो, नल लगा हो, हाथ धोने का स्थान होता, वहां पर ये चीजें धोना चाहिए, छत पर कभी भी नहीं धोना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो आपके ऊपर जिनका हाथ होता है, माता पिता सास ससुर, ये चार जने का हाथ होता है, इनसे संबंध खराब होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और महीने में एक बार घर में खीर अवश्य बनाना चाहिए, और उस खीर को घर परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर के खाना चाहिए। इससे घर के अंदर बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और उसी खीर में से थोड़ी सी खीर कंडे पर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जला भी देना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। यानी महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनाना ही बनाना चाहिए।
और सभी व्यक्ति मिलकर के खाना चाहिए, और उस दिन जितने मेहमान आए उनको भी खिलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। यदि आपके रुके हुए काम है जहाँ से पैसा नहीं आ रहा है तो पैसे के रास्ते खुलने लगते हैं। ये छोटे मोटे टोटके हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, परंतु आजकल हम भूल गए हैं। इसलिए हमने ये हमारी हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज मान्यता प्रथा है उनका हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आपके यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती, क्योंकि बिना लक्ष्मी के धर्म का काम भी नहीं किया जा सकता है। और घर जब भी आए, कहीं से भी आओ, कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। घर में जब भी प्रवेश करें कुछ न कुछ चीज, 5-10 रुपए की 20 रुपए की कुछ भी आइटम जो नहीं हो आवश्यकता वो भी आप घर पे अवश्य लेकर के आना चाहिए। चाहे चाय हो, चाहे शक्कर हो, चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, दूध हो, दही हो, या कोई भी अनाज भी हो सकता है, परंतु खाली हाथ कभी भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाहर से आते हैं तो इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और रसोई घर में और बाथरूम में हमेशा पानी की बाल्टी भरी हुई रहना चाहिए, इससे भी घर में सुख शांति बनी रहती है। गुरुवार के दिन मनुष्य को पीली चीजें अवश्य खाना चाहिए, और गुरुवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोना चाहिए, गुरुवार के दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी चली जाती है, बरकत नहीं रहती है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। गुरुवार के दिन बाल भी नहीं कटाए जाते हैं, यानी किसी भी घर को और शरीर को हल्का नहीं किया जाता है, तो भी लक्ष्मी की कृपा आपकी बनी रहती है। इसलिए गुरुवार के दिन कोई भी पीली वस्तु अवश्य बनाना चाहिए और खाना भी चाहिए। घर में, मंदिर में, जहां पर भोजन बनता हो वहां पर कभी भी रात्रि के झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे ऐसे ही धो करके रखें, परंतु झूठे बर्तन वहां पे नहीं रहना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है, बरकत नहीं होती है। इसलिए इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें, यदि लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो झूठे बर्तन चाहे रात के हो कभी भी खाएं, धो करके रख दें, परंतु झूठे नहीं होना चाहिए। जब भी स्नान करते हैं हमेशा धुले हुए, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए, जब भी स्नान करें तब। और हमेशा शरीर को पोंछते समय सूखे तौलिए का ही प्रयोग करना चाहिए, गीले तौलिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब भी यात्रा करते हैं तो पूरे परिवार को एक साथ बैठ के नहीं जाना चाहिए, इससे अपशकुन होने की संभावना रहती है। यदि किसी मनुष्य के द्वारा तंत्र मंत्र काला जादू किया हुआ है, चौकी भेजी हुई है, मारण प्रयोग किया हुआ है, तो अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि जब पूरा परिवार एक साथ एक ही कार में या एक ही टैक्सी में बैठा हुआ होता है तो उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और घर में नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचता है। तो इसलिए यह प्रथा बनाई गई है कि पूरा परिवार एक साथ कभी भी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें ताकि अपशकुन नहीं हो, अन्यथा अपशकुन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्यास्त के समय पे भजन अवश्य करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। घर के अंदर झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू हमेशा आड़ी रखी हुई होनी चाहिए, और झाड़ू को कभी उलांगा भी नहीं जाता है, अन्यथा घर की लक्ष्मी जी चली जाती है। और झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए, सबको दिखना नहीं चाहिए। इधर उधर झाड़ू पड़ी रहती उसको भी सबको उठा करके एक जगह रखो, जो व्यक्ति आता है उसे झाड़ू नहीं दिखना चाहिए।
ऐसा भी कहा गया है कि झाड़ू का यदि मान सम्मान नहीं कर पाते हैं तो आपके यहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती है, बरकत की कमी होती है, यानी धन नहीं बचता है। पैसा तो आएगा परंतु खर्चा पहले से लगा हुआ रहता है। बिस्तर पर बैठ करके खाना खाने से बीमारियां लगती हैं और धन की हानि होती है, इसलिए बिस्तर पर बैठ करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी घर छोड़ करके चली जाती, घर में अशांति और दरिद्रता का वास हो जाता है। ये बहुत छोटे छोटे से टोटके हैं जो पुराने जमाने में हमारी दादी बताया करती थी और इनका पालन भी करती थी, आंखों से देखी हुई चीज है। आप भी इनका प्रयोग करें, चाहे आप वर्तमान अवस्था में बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, हो सकता है पैसा भी आप ज़्यादा कमा रहे हो, परंतु घर में यदि सुख नहीं है, घर में आनंद नहीं है, केवल पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से आनंद नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए यदि घर में सुख शांति और आनंद चाहिए तो इन टोटकों का आपको पालन करना होगा, अन्यथा अशांति अवश्य होगी ही होगी। घर में जो जूते चप्पल रखे रहते हैं, एक तो वो उल्टे सीधे नहीं रखने चाहिए और इधर उधर बिखरे हुए भी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अशांति होती है। पूजा जो घर परिवार वाले मनुष्य हैं उन्हें हमेशा उत्तर मुखी होकर के पूजा करना चाहिए। जिनका विवाह हो गया हो, बच्चे पैदा हो गए हो, उन्हें उत्तर मुखी होकर के पूजा करना चाहिए, ताकि उनके घर में धन की आवक होती रहे, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता होती है। परंतु यदि कोई छात्र है तो उसे पूरब मुखी होकर के पूजन अर्चन करना चाहिए, ताकि उसका ज्ञान में वृद्धि होती है। और जब भी पूजन अर्चन करें, ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि आसन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, चाहे उनका आसन हो, जूट का आसन हो, कुश का आसन हो, कुछ भी हो, आसन अवश्य रहना ही रहना चाहिए। गाय को रोटी अवश्य खिलाना चाहिए, इससे देवता और पितृ दोनों को शांति मिलती है। तो मनुष्य को रोजाना एक रोटी गाय की, एक रोटी कुत्ते की और एक रोटी या कसार चीटियों का अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि जब पितृ की कृपा होगी तो ही लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होगी। तो गाय के लिए जो रोटी है वो रोटी अवश्य गाय को देना चाहिए, उसके ऊपर घी और गुड़ लगा करके भी दे सकते हो, इससे आपको पितरों की शांति अवश्य मिलेगी और पितरों की कृपा अवश्य मिलेगी। ईशान कोण में जल भर करके एक मटका रखा हुआ होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखें कि जो भी दीपक अपन प्रज्वलित करते हैं, अगरबत्ती प्रज्वलित करते हैं, आरती के लिए धूप दीप लगाते हैं, तो कभी भी अग्नि को फूंक मार करके नहीं बुझाना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा है वो अगरबत्ती जलाते हैं तो फिर वो जो अगरबत्ती की लो होती है उसे फूंक मार के बुझाते हैं, माचिस की तीली को भी फूंक मार के बुझाते हैं, तो अग्नि देवता का अपमान होता है। इसलिए फिर घर में लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बनती, बनी रहती है। इसलिए अग्नि को कभी भी फूंक मार के नहीं बुझाना है, और घर के अंदर जितने भी दीपक लगते हैं उन सब दीपक को अलग अलग जगह वहीं पर ले जा करके बैठ करके अलग अलग माचिस की तीली से प्रज्वलित करना चाहिए, ताकि वह दीपक उसी शक्ति को जाएगा जिसका सामने बैठ करके आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं। यानी एक ही माचिस की तीली से केवल एक दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए गाय के गोबर का, इससे घर की सुरक्षा बनी रहती, ऊपरी बाधा नहीं आती है। और घर में या मंदिर में कहीं पर भी हो, फैक्ट्री में, कार्यालय में, मकड़ी के जाले नहीं लगने देना चाहिए, यह दरिद्रता की निशानी होती है। तो जहां पर ईश्वर का वास होता है, यानी भगवान का कमरा होता है, मंदिर होता है, वहां पर तो हर दो तीन दिन में मकड़ी के जाले साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर धनात्मक ऊर्जा ज्यादा रहती है, नकारात्मक ऊर्जा की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहिए। इसलिए जाले अवश्य हर दो तीन दिन में साफ कर दें, पर गुरुवार के दिन जाले साफ नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा कहते हैं
कि घर में या मंदिर में कहीं पर भी जाले ज्यादा होते हैं तो वह जाले जो है आपके भाग्य को खा जाते हैं और कर्म पर भी आपको जाली लगा देते हैं। कर्म यानी आपके कर्म के जो फल होते हैं उनके ऊपर जाली लग जाती है, यानी आगे पर्दा डल जाता है, ताला डल जाता है, एक तरीके से ये कह लीजिए। तो आपके जो अच्छे कर्म होते हैं उन अच्छे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता है। मेहनत तो करोगे परंतु मेहनत का फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उसे बोलते हैं कि कर्मों पर जाले लग जाना, कर्म पर जाले लग गई। इसलिए जालों को हमेशा साफ करते रहना चाहिए ताकि घर के अंदर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। सप्ताह में एक दिन कोई भी आप फिक्स कर लें, गुरुवार के दिन को छोड़ करके नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए, यानी डलने वाला नमक लेकर के आए, पानी में उसको गलाएं और दूसरे दिन उस नमक के पानी से पूरे घर में वो लगाना चाहिए, पोंछा लगाना चाहिए, और उस पानी को जो गंदा पानी होता है उसे लेटरिन शीट में डालना चाहिए, जिससे आपके घर की दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती। तो ऐसे ये छोटे मोटे टोटके हैं जो घर परिवार के व्यक्ति मिलकर के भी कर सकते हैं, अन्यथा गृहिणी को करना ही करना चाहिए। यदि घर के अंदर क्लेश है, दुख है, अशांति है तो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा दिन टोटकों को किया तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी। या तो पहाड़ी नमक हो, मतलब समुद्री नमक जो डलने वाला आता है, या सेंधा नमक से पोंछा लगाना चाहिए। हमेशा इस ईशान कोण में एक खिड़की होना चाहिए ताकि वहां से सूरज की किरणें आपके पूजा रूम तक आना चाहिए, तो यह भी लक्ष्मी जी कृपा प्राप्ति का उपाय हो सकता है। और यदि घर में या मंदिर में कहीं पर भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, चाहे चल प्राण प्रतिष्ठा हो या अचल प्राण प्रतिष्ठा हो, उसकी पूजा रोजाना करना चाहिए। चाहे जल छिड़क दो और कपूर से आरती कर दीजिए, ऐसी व्यवस्था अवश्य करना चाहिए ताकि आपके यहाँ पे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और वो शक्ति जो आपने बिठाई है उसकी भी कृपा आपको प्राप्त हो सके। ये ऐसे बहुत से जो छोटे मोटे टोटके हमने आपको बताए 15-20, इनका पालन करें, और ताकि आप जो हमसे प्रश्न कहते हैं कि बाबा जी हमारे यहाँ बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, पूरी जिंदगी हो गई हमें कष्ट भोगते भोगते, तो इनमें से आपने कौन सी गलतियां की, ये सब आप नोट डाउन कर ले पहले और कोशिश करें प्रयोग करने का। सूर्य उदय के समय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, आधा घंटा एक घंटा पहले, और शाम को सूर्यास्त के समय पे गूगल गुड़ काले तिल और घी इसकी धुनी अवश्य दें, और उस समय पे ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, नमः श्रीय श्री ओम, इस मंत्र का जप करते रहें, या ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, परंतु केवल लक्ष्मी जी को ही याद मत करो, आपको लक्ष्मी नारायण को याद करना है। लक्ष्मी जी ऐसी होना चाहिए जो स्थिर लक्ष्मी हो, जो नारायण के साथ आती है वो स्थिर लक्ष्मी होती है, इसीलिए हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए। इसलिए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, इसी प्रकार से आपको जप करना चाहिए। गूगल गुड़ घी और काले तिल मिलाकर के पेस्ट बना लें, गाय का सूखा गोबर जलाएं, उसके ऊपर एक चम्मच ये डाल दें, उसकी धुनी पूरे घर में घुमाएं, और धुनी घुमाते समय घर परिवार का कोई भी सदस्य बिस्तर पर सोता हुआ नहीं रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी मनुष्य को बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए, और शाम को भी जब दिन और रात का मिलन होता है, गो धूली बेला का समय होता है, उस समय पर भी मनुष्य को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, उस समय हवन पूजन जप तप करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, कामाख्या माँ और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और आप कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते रहें ताकि भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।